वैदिक मैथ्स फॉर्मूला नंबर टू, स्क्वायर ऑफ नंबर्स बिलो 50, 50 से छोटे नंबर्स, या फिर हम कहें कि बहुत करीब के नंबर्स, इसका रूल समझ लीजिए थोड़ा सा डिफरेंट है 100 से। 50 से कितना छोटा है ये? टू, छोटा है तो माइनस लिखते हैं ना। फर्स्ट स्टेप, टू का स्क्वायर 4, जैसे प्रीवियस क्लास में किया था, एक डिजिट आए तो एक जीरो लगाएंगे। और 50 में रूल ये है कि 25 में से प्लस या माइनस होता है, ठीक है, 25 ही लगेगा। 25 माइनस 2, 23 आपका आंसर आ गया। और ये 48 का स्क्वायर एग्जाम में बहुत यूज होता है, लर्न ही कर ले, याद रखना कैसे निकालना है। नेक्स्ट 46, कितना छोटा है? 4 का स्क्वायर 16, 25 से माइनस करना है, रूल यही है, क्लियर है सबको? कितना बिलो 50 से, कितना बिलो 8 का स्क्वायर 64, 25 से माइनस करोगे कितना, आपका आंसर आ गया। और क्योंकि नहीं, रूल है नहीं, हाफ नहीं, ऐसा समझ लीजिए 5 का स्क्वायर 25। तो कुछ फॉर्मूले बनाए हैं उनमें, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या बोला कि 50 से बहुत करीब नंबर होना चाहिए, अगर करीब नहीं होगा तो फिर आपका जो डिफरेंस बढ़ जाएगा, जैसे 50 से कितना छोटा है ये, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 यहाँ पे दो ही प्लेस फिक्स करना, थर्ड कैरी ओवर जाएगा। फिर 25 से माइनस करोगे कितना बचेगा, 13 प्लस 1 14, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस ले लोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी, इसके अलावा हमारे पास और भी रूल्स हैं कैलकुलेट करने के। तो आपने ये देखा कि हमने कौन सा रूल यूज किया, बिलो 50, ठीक है सबको। और जैसे हमने बिलो 50 किया है वैसे ही अबव 50, कितना कितना अबव, 2 का स्क्वायर 4, रूल यही है 25 लगेगा, आ जाएगा 27। ये रूल किसके लिए, 50 अबव 50 बिलो के लिए ये रूल है, 25 लगेगा। कितना अबव, 7 का स्क्वायर 49, 25 ऐड कर दीजिए 32। कितना अबव, 6 का स्क्वायर 36, 25 ऐड कर दीजिए। 50 से कितना अबव, 11 का स्क्वायर 121, 3 डिजिट आए तो थर्ड डिजिट कैरी ओवर जाएगा, 25 से प्लस कर दीजिए कितना, 36 कैरी ओवर नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगा।